हेलो सितारा हेलो। जी, मैं इंडिया से हूँ। प्लीज, मैं आपके वीडियो रोज देखती हूँ। प्लीज आप गिव अप ना करें। सब लोग आपके साथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आप क्यों कमजोर पड़ रहे हो? मैं आपके वीडियो हर दिन देखती हूँ, मुझे मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैं खाना भी आपका वीडियो देख के खाती हूँ। प्लीज यार गिव अप ना करें। आप ना मतलब इन लोगों को छोड़ दो आप। नहीं हूँ। कोई रो रहा था, कोई किस हालत में था, किसकी सितारा प्लीज कोई अपडेट दे। तो मैं इस वजह से ही आई हूँ बताने के लिए कि फिलहाल मेरे पास अभी यूट्यूब चैनल तो नहीं है, तो मैम आप दूसरा मैं चैनल बना लो। देखूंगी आगे कुछ दिन तक नया यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। मैम अगर आपको ज्यादा परेशान करते हैं तो फिर आप कानूनी कार्रवाई करो ना, आप लीगल एक्शन लो। आप कब तक टॉर्चर बर्दाश्त करोगे? छोड़ दो इन सबको, इन सबसे दूर चले जाओ, कहीं अदर कंट्री में बस जाओ। बस इन सबसे है ना पूरे कनेक्शन तोड़ दो आप। कांटेक्ट है ना इन सबसे खत्म ही कर दो, इन सबसे दूर चले जाओ। और आप बिल्कुल भी उदास मत रहा करो। आपको पता है आपके उदास रहने से है ना इसका इफेक्ट आपके जो लवर्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, इन सब पे पड़ता है। आप जी स्ट्रोंग बनो, आपके साथ सब हैं। प्लीज अच्छा, मैम आप ऐसे मत रहो। मैं अच्छा आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज ये किस कैसे हटेगा, आप हटा दें, मैं फिर बात करती हूँ सबसे। अच्छा ठीक है मैम, रुको। अच्छा, आप सबको पता चल गया होगा मेरे चैनल का। और दूसरी बात है कि मुझे कोशिश करूंगी, फिलहाल मेरे दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि मैं और चैनल बनाऊं, और अभी फिलहाल मेरे पास चैनल नहीं है। अगर मेरे पास चैनल होता तो मैं ज़रूर वहां पर लाइव आकर आप सबसे बात करती। और यहाँ पे एक मैं बात बोलूंगी, जो इस टाइम सोशल मीडिया पर सबने मिलके मेरे साथ किया हुआ है, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि कल को तुम लोगों की औलादें तुमको एक्सपोज करेंगी, जिन्होंने 1 साल से यही रट लगाई है और एक लड़की के पीछे हाथ धो के लगे हो, तो याद करोगे वो टाइम जब तुम लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों पर नहीं हंसूंगी, लेकिन याद जरूर आऊंगी कि हम किसी के पीछे पड़े थे और आज हमारे साथ ये हो रहा है, और वो टाइम जरूर आएगा। और किसी को ये लग रहा था कि सितारा ने कोई फेक अपलोड किया है, पिक्चर अपलोड किया है कोई फेक, तो मैं इसलिए सामने आई थी, कोई फिल्टर लगाकर आई है, कुछ ये करके आई है। ये बाल मैंने अपने होश हवास में काटे हैं ये, और मैं आपको फेस भी अपना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर किसी को मेरी बर्बादी देखनी थी तो मैं उसको यही कहूंगी,
कि मैं पूरी तरह से अभी बर्बाद हो चुकी हूँ। कि मैंने अपनी शक्ल भी बिगाड़ दी है, कि मुझे मुझे कोई ना पहचान सके कि ये सितारा है। चैनल भी खत्म हो गया है, इससे बढ़ के और कौन सी बर्बादी होगी मेरी। तो दूसरी बात के किसी को भी ये लगे कि ये कोई सिंपत्ति है, ये ऐसा कुछ है, तो मैं उसको ये दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करे कि तुम भी सिंपत्ति ऐसे गेन करो। और कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा सजेशन दे रहे हैं कि आप चैनल को ऐसे वापस ले आए, ऐसे वापस ले आए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने सब चैनल वालों से बात की है, और इसके अलावा पायल मलिक ने मेरी बहुत हेल्प की है इंडिया से, फैमिली फिटनेस जो चैनल है जिनका, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सबने की है। तो शायद वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं है, और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिसने भी मेरा साथ दिया यहाँ तक। यहाँ तक मेरा YouTube था और यहाँ तक ये सब कुछ था, और मैं यहाँ उस दिन की मैं अपने बच्चों के सामने नहीं आई ऐसे, जो कह रहे हैं कि बच्चों ने बच्चे मेरे बच्चों ने नहीं देखा, मैं उनको मोबाइल नहीं दिखा रही, कुछ नहीं देख रहे मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अपनी फैमिली में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी मैंने कोई हेल्प ना की हो, मैंने अपनी तरफ से सबकी हेल्प की, और कभी मैंने यूट्यूब पे भी आकर नहीं बताया ना दिखाया, और सबके चैनल बनवाए, अपनी तरफ से मुझसे जितना हो सका मैंने किया। और इस टाइम पर सबको जहां और सबको मैं लेकर आई थी, आज वो सब है और मैं नहीं हूँ यूट्यूब पर, तो ये मेरा नसीब था। तो अभी मैं लाइव बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बस मुझे थोड़ा सा एक अपडेट देना था आपको कि मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा चैनल नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं आगे बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा बस और कुछ नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं बचाना। मैं कुछ बोलूंगी कि इस टाइम पे कुछ मेरे साथ है, और जिसने भी साथ दिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मैं इस हालत में पहुंची हूँ, जिसने भी पहुंचाया है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी फैमिली में से भी जो आ रहे हैं मेरे खिलाफ आ रहे हैं, और
उनको अल्लाह पाक एक ना एक दिन ये दिन दिखाएंगे कि वो खुद रोएंगे। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि जिनको अगर मेरी औलाद नहीं दिख रही या फिर मैं किसी को नहीं देखी हूं, तो मैं यही बोलूंगी कि अल्लाह पाक ये दिन दिखाएगा। हाँ, YouTube चैनल कह रहे हैं कि हमने सर्च किया है, YouTube चैनल है, अभी भी रुका हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 दिन है कि 2-3 दिन तक टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके अलावा मैं उस पर कुछ अपलोड नहीं कर सकती, ना मैं कुछ डाल सकती हूँ, ना मैं उस पर लाइव आ सकती हूँ, ना मैं उस पर कोई वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। बाकी जिसने स्ट्राइक दी है उसको स्ट्राइक वापस नहीं लेनी, मैंने उनसे भी बात की है, उनको बहुत रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं हम स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी लाइव खत्म कर रही हूँ, और मैं नया चैनल बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। पता नहीं कौन है, किसने स्ट्राइक दी है, किस कंट्री, पाकिस्तान से नहीं है वो, ना ही इंडिया से, किसी और कंट्री से है जिसने स्ट्राइक भिजवाई है मुझे, और उनसे बात की है, बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, स्ट्राइक वो वापस नहीं ले सकते, तो मैं नया चैनल बनाऊंगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे, जो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और जो लोग मुझे रात दिन गंदा करने में लगे हैं, अपना अपना साथ ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे ये चैनल।